खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का फिनाले एपिसोड 25 और 26 सितंबर को प्रसारित होने वाला है। वहीं विजेता का नाम आखिरकार पहले ही सामने आ गया है। हाँ, ये सच है कि नागिन एक्टर अर्जुन बिजलानी ने रोहित शेट्टी के शो के इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, जबकि चैनल ने अभी तक विजेता के घोषणा नहीं की है। लेकिन बता दूं आपको, अर्जुन की पत्नी और प्रशंसकों ने बधाई संदेशों के साथ सोशल मीडिया पर बाढ़ लगा दी है। तो दोस्तों, आपको पूरी न्यूज़ दूंगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के फिनाले एपिसोड का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी धमाकेदार न्यूज़ है। स्टंट आधारित इस शो की शूटिंग कुछ महीने पहले ही दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में की गई थी और इसका फिनाले एपिसोड पहले ही लाइव टेलीकास्ट कर लिया गया है। सीजन के फाइनलिस्ट, जैसे सभी को मालूम है कि अर्जुन बिजलानी का नाम बार बार सामने आ रहा है, ऐसे में दिव्यांका त्रिपाठी के चहीते यानी जो उनके फैंस हैं वो काफ़ी निराश हो रहे हैं, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि दिव्यांका त्रिपाठी ही जीतेंगी। लेकिन सच कुछ और ही निकला। और आपको बता दूँ कि अर्जुन बिजलानी ये कलर्स का चेहरा है, रोहित शेट्टी के शो की ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम कर ली है और इसकी जो खबरें हैं उनकी खुद वाइफ ने इंस्टाग्राम पे काफ़ी पिक्स शेयर की हैं और काफ़ी सेलिब्रेशन भी हो रहा है। तो दोस्तों, आपको इसका राज बताते हैं कि दिव्यांका त्रिपाठी आखिर क्यों नहीं बनी इस शो की विजेता। आपको बता दूं, दिव्यांका त्रिपाठी कलर्स का चेहरा नहीं है, वो स्टार प्लस का चेहरा है। और आपको ये बता दूं कि ये जो अर्जुन बिजलानी है, ये कलर्स नागिन के एपिसोड के जो है चहेते चेहरे हैं और कलर्स में कई एपिसोड्स में, कई सीरियल्स में काम कर चुके हैं। तो कलर्स हमेशा विजेता उन्हीं को बनाता है जो उनका चेहरा होते हैं, जबकि दिव्यांका त्रिपाठी स्टार प्लस का चेहरा है। इसी वजह से अर्जुन बिजलानी को विजेता घोषित किया गया है, जबकि चैनल ने अभी तक विजेता की घोषणा नहीं की है। लेकिन अर्जुन की पत्नी और प्रशंसकों ने मिले जब हम तुम स्टार के लिए बधाई संदेशों के साथ सोशल मीडिया पर बाढ़ लगा दी है। अर्जुन की पत्नी ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखा है, मुझे आप पर गर्व है मेरे जान, मुझे पता है कि आप वास्तव में क्या किया है, आप दुनिया की सारी खुशियों के लायक हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करती हूँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा।